जोहार दीदी। जोहार दीदी, आवे दीदी जे तो कह रही से बीज उपचार के लिए बताबो कहके, हम सारा सामान जोगाड़ करके रखे। हाँ, यही सब सामान जोगाड़ करे कह रही हो। बाल्टी हो, पानी हो, नमक हो, बीजामृत हो, अंडा हो, आलू हो, और धान हो, और सूत्री बोरा हो। सबसे पहले दीदी एगो बर्तन में 6 लीटर पानी ले भाई। 6 लीटर है पानी तो ले लिए दीदी। अब इकर में अंडा के चेक करवाई। अंडा तो बैठ गए दीदी, अंडा सही है। हाँ दीदी, अंडा तो बैठ गए। अब इकर में का करब दीदी? अब इकर में नमक घोलब। अंडा के यहाँ डालब, फिर देखत है ऊपर आवा है कि नहीं। अंडा नहीं आ है, फिर नमक इकर में लगते। और अंडा के कर में चेक करके देख ले भाई। ये देखी दीदी, अब अठनी करा कर ले अंडा। सही में दीदी, अंडा देखन ऊपर तैरे लागल हो। हाँ दीदी, आलू का ले रही? बहुत आदमी ऐसा हथिन कि अंडा के नहीं छूथी ना। उकर जगह में हम इन आलू के भी देख के ट्राई करिए। दीदी अब यहाँ से अंडा के निकला भाई तो फिर का करब? फिर 2 किलो जो धान है से के यहाँ डाल भाई। अब के आप अच्छा से मिला ले भाई। कहे दीदी? जे अच्छा बीज नीचे चल जाता है और जे खराब बीज है इकर में से ऊपर चल आता है। अभी के ऐसा ऐसा करके निकला दे भाई। हाँ दीदी, खराब वाला का निकला एक होता है ना। हाँ, खराब वाला धान तो निकल गेलो, अभी के का कर भी? अभी के इस जे खराब पानी है से के निकला दे भाई। ठीक, अब इकर में ऐसा करके धोबे दीदी कि अच्छा पानी में धान के 3-4 बार, जब तक नमक का मात्रा नहीं खत्म होता है। अच्छा दीदी, अब इकर में पानी डाल भाई दीदी। धान नीचे होना चाहिए तनी सुन ऊपर, और एक रात के लिए इके ऐसा छोड़ दे भाई। काहे दीदी एक रात छोड़ भाई? ठीक, अंकुर ठीक होता है दीदी इकर में। अच्छा, ये देखी दीदी, कल तो कह रही 18 से 20 घंटा रखे ले। ये देखी धान ठीक। तब दीदी के सूत्री बोरा में छाके खाई निकला थी ये? ठीक दीदी, हम निकला देते हैं। निकला तब ठीक दीदी के पसरा दे भाई, और 10 मिनट के लिए सूखे ले छोड़ दे भाई। दीदी अब इकर में बीज अमृत डाल भाई और ठीक है मिला दे भाई। अभी के क्या कर भाई दीदी? अभी के पोटली बांध के रखे खाई 12 घंटा, और बोरा के नमी करके रखे खाई। अच्छा दीदी, इके नमी बनाए के वही रखी ला कि के अंकुर अच्छा से हो जाता।